मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री अरविंद कुमार जी, और आज जिनके तत्वाधान में कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री श्रीवास्तव जी, यहां उपस्थित दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारीगण, अलग अलग रैंक के सभी पुलिसकर्मी भाइयों बहनों, और वर्चुअल तरीके से 60 से ज्यादा जगहों पर इस कार्यक्रम को देख रहे दिल्ली पुलिस को सम्मान दिलाने वाले सभी जवानों को मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली पुलिस के 73वें स्थापना दिन की परेड में आया था फरवरी 2020 में, और उस वक्त वैसे ही मैंने तो कहा था, कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, कि समाज के हर दिक्कत की घड़ी में, हर मुश्किल की घड़ी में पुलिस ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और आज लगभग एक साल होने को आया है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने ये बात को बिल्कुल चरितार्थ कर जनता का विश्वास जीत कर दिखाया। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल का एक वाक्य हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए। किसी भी कारणवश उत्तेजना में आए बगैर नागरिकों को उपद्रवियों से सुरक्षित रखना पुलिस का परम कर्तव्य है। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया, भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया, मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी। चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हो, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो, प्रवासी मजदूरों को अपने वतन में वापिस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया, इसकी चुनौती खड़ी हुई वो चुनौती हो, यह अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के साथ आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय स्थापित करना हो, ये हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है। और मैं इसलिए पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस के अंतिम कांस्टेबल तक की पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, जब पुलिस की बात करते हैं तो आज तो सरकार के ढेर सारे अंग उपांगों में से एक गृह विभाग भी है, इसमें भी एक पुलिस है, मगर पौराणिक काल से जब से राज्यों की स्थापना हुई, इसका इतिहास जब हम देखते हैं तो अभी तो ढेर सारे मंत्रालय, ढेर सारे विभाग, ढेर सारे काम हमारी नजर के सामने है,
वाटर सप्लाई भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, वित्त मंत्रालय भी होता है, महिला और बाल कल्याण विभाग भी होता है, आईटी भी होता है, ढेर सारे विभाग, अनगिनत क्षेत्रों में सरकार को काम करना पड़ता है। मगर जब पहली बार पृथ्वी पर राज्य के शासन की स्थापना हुई उस वक्त एक ही विभाग था, वो कानून और व्यवस्था संभालने वाला विभाग था। तो एक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सबसे पुराना अगर कोई विभाग है तो कानून और व्यवस्था संभालने वाले पुलिस का विभाग है। इसका नाम अलग अलग समय पर अलग अलग होता होगा और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सरकार ने अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे जीडीपी की दर को हासिल करनी, औद्योगिक विकास को द्रुत गति देनी है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है, जंगलों को संभाल कर रखना है, अर्बन डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करना है, तो उसकी प्राथमिक जरूरियात है कि वो राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है ये कुछ संभव नहीं। मैं बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथी काम के बोझ में दब जाते हैं, रोजमर्रा के काम के बोझ में, तब हम कितनी बड़े काम का हिस्सा है वो हमारे दिमाग में से निकल जाता है। कोई कांस्टेबल है, कोई पीआई है, पीएसआई है, कोई डीवाईएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, उसको अपनी डीआईजी की भूमिका ही दिखाई पड़ती है। परंतु वास्तविकता यह है कि आप पूरे देश के विकास की एक पूरी यंत्रणा की रीढ़ की हड्डी हो, इसका एक हिस्सा हो, इसका सदैव स्मरण आपके मन के अंदर रहना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को तो विशेष रूप से रहना चाहिए। हर एक कांस्टेबल का काम को अगर जोड़ते हैं तभी दिल्ली पुलिस का काम बनता है। आपके कार्यक्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, दुनिया भर के देशों की राजदूतालय है, एम्बेसियां हैं, ढेर सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ढेर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स यहां पर हैं, ढेर सारे साइंटिफिक इजाज करने वाले अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर यहां पर है। और ये सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सब को अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमेशा सुधार की ओर नजर रखनी चाहिए। स्थगितता जीवन में कुछ नहीं होती है। सुधार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की भूख और अच्छा करने की भूख ही हमें आगे ले जाती है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करें। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस रचना करनी। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें, सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें, सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग 7,667 8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी खुद कोरोना ग्रसित हो गए।
30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं गोता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है, किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मदद रूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले, और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार करना। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दिल्ली पुलिस के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, मगर चुनौतियों को हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से इसका सामना नहीं कर सकते। चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनौती को समझना पड़ेगा और अपने आप में, अपनी व्यवस्था में, अपने काम में और अपने संसाधनों में बदलाव भी लाना पड़ेगा, तभी जाकर चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि कुछ एमओयू मेरे सामने हुए हैं। इसमें मेन तो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू हुआ है। मित्रों, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी स्वप्न है। मैं जब गुजरात में गृह मंत्री था तब प्रधानमंत्री जी वहां मुख्यमंत्री थे, और उसी वक्त गुजरात में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, अपने आप में विश्व में सबसे पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात के अंदर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य था कि हमारी जांच का फोरेंसिक साइंस अभिन्न हिस्सा बन जाए, क्राइम कंट्रोल सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने से नहीं होता है, जब तक उसको सजा नहीं कराते, और विशेषकर आदती क्रिमिनल्स जो हैं, बार बार क्राइम करने की जिनको आदत है, जघन्य अपराध करते हैं, इसकी भी आदत पड़ी है, और पूरे समाज को, सोसाइटी को भय आक्रांतित करते हैं, उनको जब तक सजा नहीं दिलाते हैं तब तक एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारी ठीक नहीं होती, क्राइम कंट्रोल नहीं होती। एक व्यक्ति को सजा देने से अनेक व्यक्ति को वो रास्ते पे जाते हुए आप रोक सकते हो, परंतु हमारा सजा का प्रतिशत बहुत कम था। इसका कारण क्या? कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं थी, मानव बल का अभाव था। अब मानव बल कम है तो उसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा रास्ता है कोर्ट के समक्ष वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस को हम कोर्ट के समक्ष रखें, तब न्यायालय भी बाध्य हो जाता है और क्रिमिनल के लिए भी कोई चारा नहीं बचता है। और अगर इसको पूरे देश के अंदर आगे बढ़ाना है तो फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, मगर दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे कोई विशिष्ट कोर्स की रचना कभी की ही नहीं गई। कोई केमिस्ट्री का स्नातक का स्टूडेंट केमिस्ट्री के फोरेंसिक साइंस विंग में काम करता था, फिजिक्स का स्टूडेंट फिजिक्स में करता था, साइकोलॉजी के स्टूडेंट साइकोलॉजी में करते थे, मगर एक फोरेंसिक साइंस की दृष्टि से उनको पढ़ाने का कोई व्यवस्था, कोई कोर्स और कोई इसकी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने ये यूनिवर्सिटी बनाकर आज
इसको पूरा किया है और अब ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी बनी है। कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई, सभी लोग इसके एफिलेटेड कॉलेज अपने अपने राज्य में खोलना चाहते हैं, कई लोग फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग क्षेत्रों को अपने यहां सेंटर एक्सेलेंस का सेंटर बनाना चाहते हैं। इससे देश भर के अंदर एक प्रशिक्षित मानव बल फॉरेंसिक साइंस सेंटर के फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र का हमें उपलब्ध होगा और तभी जाकर हम सभी जघन्य अपराधों के अंदर फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को कानूनन कंपलसरी कर सकते हैं, क्योंकि पहले मानव बल बनाना पड़ेगा। और आज मुझे बहुत आनंद है कि दिल्ली पुलिस ने एनएफएसयू के साथ लगभग 119 फॉरेंसिक सहायक व वरिष्ठ फॉरेंसिक सहायक को दिल्ली पुलिस में शामिल करने का जो निर्णय किया है, इससे इसकी गति बढ़ेगी और जांच पड़ताल भी अच्छी होगी और सजा कराने का हमारा दर भी बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस और दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एक समझौता करार हुआ है। सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग की स्थापना इंद्रप्रस्थ संस्था में की जाएगी और उसका मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग में आईटी का उपयोग कर पुलिस की कार्यदर्शी पद्धति को, पुलिस की कार्यवाही को, कार्यशैली को पारदर्शी भी बनाना है और ज्यादा कुशल भी बनाना है। मैं मानता हूं कि इससे कई सारी विधाएं दिल्ली पुलिस के जवानों को उपलब्ध होगी। एक्सिस बैंक ने भी के साथ भी दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के हेतु अनेक सुविधाएं बढ़ाने का भी एमओयू हुआ है और मैं मानता हूं कि ये तीनों अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग दृष्टिकोण को समाहित करने वाले एमओयू है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अभी दो नए इनिशिएटिव दिखे कि खोए हुए बच्चों को अपने परिवार के साथ मिलाने वालों को पदोन्नति दी जा रही है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, एक पूरा जीवन अपने परिवार से बिछड़कर भटक जाए, देश का एक नागरिक अच्छे रास्ते पे चलने से अपने आप को मजबूरी से बिछड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। और मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जो शुरुआत करी है वो शुरुआत निश्चित रूप से कई लोगों को प्रेरणा देगी, जिन्होंने 3 महीने के भीतर 55 से ज्यादा बच्चों को परिवारों से मिला है, उनको आज पदोन्नति दी गई है। कई सारे अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से देने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को भी आज प्रमोशन दिया गया है। मुझे आनंद है कि इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करने का एक प्रेरणा भी मिलेगी और उत्साह भी बढ़ेगा। मित्रों, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट भारत सरकार ने दिल्ली के लिए अनुमोदित किया है। अब इसके माध्यम से पुलिसिंग की पूरी रूपावली बदलने का काम दिल्ली पुलिस का है। एक विश्वस्तरीय डेटा सेंटर जिसको अभी हमने देखा, इसके अंदर लगभग दिल्ली में 15,000 से ज्यादा कैमरों का एक जाला बुना जाएगा और वो कैमरा सीधा आपके मुख्यालय पर आपको क्राइम कंट्रोल में मदद करेंगे। इसके साथ आने वाले दिनों में सभी रेलवे स्टेशन के कैमरा भी जोड़ने वाले हैं और दिल्ली सरकार ने भी जो कैमरा लगाए उसको भी हम जोड़ेंगे और ये सभी को इकट्ठा कर क्राइम कंट्रोल की दिशा में एक सेफ सिटी बनाने में हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मेरा पुलिस आयुक्त से एक निवेदन भी है कि इसके लिए एक्सपर्टों को आपके साथ आप जरूर रखिए और एक्सपर्टों को साथ में रखकर एक कुशल मानव संसाधन बल यहां पर हमारा स्वतः दिल्ली पुलिस का बने और आने वाले दिनों में वो आगे बढ़ता रहे। ईआरएसएस 112 का
प्रधानमंत्री का जो निर्देश है पूरे देश के पुलिस बल को, उसको दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया है। लगभग रोज 6 लाख कॉल आती है और पीसीआर भेजकर अब तक 722 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया है और ईआरएसएस का एवरेज रिस्पांस टाइम 6.27 मिनट है, वो देश में सबसे कम है, वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। और कई सारे क्राइम को इस सिस्टम के माध्यम से हमने समाप्त किया है। सिर्फ गाड़ियों की बात करें तो 526 से ज्यादा चोरी की हुई गाड़ियां तत्काल सूचना के कारण पकड़ी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे फ्रॉड, जालसाजिया, जटिल साइबर अपराध हो, गृह मंत्रालय ने I4C स्कीम के तहत दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को एक विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक बहुत बड़े प्रयोजन को स्वीकृति दी है। और मैं मानता हूं हमने ये सारी जो सुविधाएं मिलती हैं इसको पूर्ण रूप से उपयोग में लाने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स की एडवाइस और एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारे कर्मचारियों का प्रशिक्षण, इसकी आदत इनबिल्ट हमने करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमें फायदा मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने ई बीट बुक से अपने आप को लैस किया है, मैं मानता हूं इससे पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई है और दिल्ली पुलिस ने इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनी कार्यप्रणाली में शामिल किया है। ढेर सारे नए इनिशिएटिव विगत 1.5 साल के अंदर हुए हैं, ऑनलाइन लाइसेंस देखना, QR कोड स्कीम हिम्मत प्लस, प्रखर, नया ई चलान और ई पेमेंट, ढेर सारी चीजों को किया है दिल्ली पुलिस की गति बढ़ाने के लिए। भारत सरकार ने लगभग 4500 नए वाहन खरीदने की भी स्वीकृति दी है और 1500 से ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदने की भी स्वीकृति दी है। जहां तक पुलिस वेलफेयर का सवाल है, मैं जब भी मंत्री बनता हूं, मेरे मालूम नहीं है मेरे सितारे कैसे हैं, मगर मुझे गृह मंत्रालय ही मिल जाता है और मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि सेटिस्फेक्शन रेशियो हाउसिंग का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसकी पुलिस की कार्यकुशलता पर बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। अपने परिवार के साथ एक अच्छे घर में रहा हुआ व्यक्ति जब काम के घंटे ज्यादा होते हैं, थोड़ा आराम से रहता है, रिलैक्स कर लेता है अपने आप को, तो ज्यादा काम कर पाता है। अभी दिल्ली पुलिस का सेटिस्फेक्शन रेशियो 6 माह पहले 19.5 था। हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हमने नरेला के अंदर लगभग 800 रेडी बिल्ट फ्लैट्स खरीदने के लिए 230 करोड़ रुपया दिया है। पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए 700 से ज्यादा आवासों का खुद भी निर्माण कर रही है। 467 करोड़ रुपया की लागत से 501 MIG फ्लैट जो तैयार पड़े हैं उसका भी हमने प्रपोजल अनुमोदित कर दिया है। इस प्रकार से सेटिस्फेक्शन रेशियो को आने वाले 5 साल के अंदर लगभग 40% के ऊपर, मतलब दुगना करने का हमने लक्ष्य रखा है और मुझे भरोसा है कि इसको हम अचीव करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल 24 घंटे दिन रात, कोई बड़ा त्योहार हो या प्रजासत्ताक दिन हो या स्वतंत्र दिन हो, उत्तरायण हो, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है, अगर उसके परिवार और उसके अच्छे रहने की व्यवस्था भी हम नहीं करते तो उसके साथ अन्याय है। और मुझे मेरा मानना है कि ये 40% पहुंचने के बाद हम इसमें काफी सुधार करेंगे, इसको और भी अच्छा करना चाहिए। जहां तक मेडिकल सहायता का सवाल है, इसमें भी सीपी दिल्ली को 25 लाख तक की वित्तीय शक्तियां हमने देने का काम किया है। इससे बहुत बड़ी राहत हमारे पुलिस कर्मचारियों को मिलेगी। मित्रों, ढेर सारे चुनौतियां हमारे सामने, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, आतंकवाद एक चुनौती है,
ड्रग्स का व्यापार एक चुनौती है, जाली नोट का व्यापार चुनौती है, ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस सभी चीजों पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। आज इसके बाद मेरी दिल्ली के पुलिस अधीक्षकों के साथ अलग अलग विषयों पर मीटिंग भी है, इसमें इसका डिटेल खाका नए सिरे से नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार करने की आज एक कवायद भी हम शुरू करने वाले हैं। ये कई दिनों तक चलेगी परंतु आज इसकी शुरुआत होने वाली है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने जाएंगे। आजादी का 75 साल ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस के हर थाने ने अपने लक्ष्य तय करनी चाहिए कि 2022 में हमारे थाने के अंदर कितने कितने बिंदुओं में क्या क्या सुधार करेंगे। इसी तरह से हर डीवाईएसपी ने भी अपने कार्यक्षेत्र के अंदर लक्ष्य सिद्ध करने चाहिए। डीवाईएसपी से मेरा मतलब व्यक्ति से नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं, मगर इंस्टीट्यूशन से, ऑफिस से है। एसपी भी करे, डीआईजी आईजी भी करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट भी करे। हर इंस्टीट्यूशन ने अपना लक्ष्य तय करना है कि हम किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या लक्ष्य सिद्ध करेंगे 2022 के पहले। और मैं मानता हूं अगर ये हम कर लेते हैं, एक बहुत आयामी और द्रुत गति से सुधार की दिशा में हम जाएंगे। और ये लक्ष्य तय करके वहां बोर्ड लगाना पर्याप्त नहीं है भाई, ये लक्ष्य बनाना, तय करना, इसकी कार्य योजना बनाना, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना, इसकी मॉनिटरिंग के बाद चर्चा करके लक्ष्यों में परिवर्तित करना और परिवर्तित हुए लक्ष्य को शत प्रतिशत सिद्ध करना, यहां तक दिल्ली पुलिस ने जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर हम सब ये कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस के क्लेवर को बदलने के लिए, दिल्ली पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए, दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने के लिए, दिल्ली की अनेक प्रकार की राजधानी विशेष समस्याएं जो है इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हर थाना अगर तय कर ले, हर डीवाईएसपी का ऑफिस, एसपी का ऑफिस, डीआईजी का ऑफिस और पुलिस आयुक्त की ऑफिस अगर ये लक्ष्य तय कर लेती है और उसको सिद्ध करने का अपना एक रोड मैप बना लेती है तो मैं मानता हूं इसका योग जो होगा, इसका टोटल जो होगा, वो अंततो गत्वा दिल्ली पुलिस में शायद ही कभी 1.5 साल के अंदर इतने सुधार हुएंगे, इतने बड़े सुधार का एक कार्यक्रम बनेगा। और मैं सिर्फ यहां कहकर वापिस नहीं जाऊंगा, मैंने तय किया है कि ये एक काम का मैं खुद मॉनिटरिंग करने वाला हूं, आपके पुलिस आयुक्त भी करेंगे, मैं भी करूंगा। हर थाने से अपने लक्ष्य, कौन सा सब्जेक्ट तय करना आप करो, मगर किसी भी 5 मुद्दों पर आपने लक्ष्य तय करना है। आप कर लो, मेरे थाने के अंदर रोटेशनली परेड होगी ही होगी, मेरे थाने में फुट मार्च निकलेगी ही निकलेगी, मेरा थाना सभी धार्मिक स्थलों के संपर्क की एक सुंदर योजना बनाएगा, मेरे थाना अकेले रहते हुए बुजुर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कोई चिंता करेगा, महिला सुरक्षा के लिए हम ये करेंगे, हमारे सजा कराने के दर को हम इतना इम्प्रूव, जो आपको लक्ष्य करना है, 5 लक्ष्य हर इंस्टीट्यूशन ने तय करने, थाने से लेकर पुलिस आयुक्त, और इसकी कार्य योजना भी बनानी है। और मैं मार्च महीने में पुलिस आयुक्त जी के टीम के साथ इसका प्रेजेंटेशन भी देखना चाहूंगा कि सबने क्या लक्ष्य तय किए और इसकी सिद्धि की आपकी कार्य योजना क्या। तो ये तो बात होगी इंस्टीट्यूशन की, और हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर जवान अपना कुछ संकल्प ले, जो आजीवन इसको मानना है 2022 के साल में हम एक ऐसा संकल्प ले जो समाज जीवन को सुधारेगा। और ये तो देश के हर नागरिक ने करना चाहिए। देखने में एक संकल्प होता है मगर 130 करोड़ नागरिक अगर एक संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्प देश को बहुत आगे ले जाते हैं। एक छोटा बच्चा संकल्प कर ले कि मैं कभी ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ूंगा तो कितनी बड़ी बात होती है।
ट्रैफिक की समस्या को सुधारने के लिए बहुत बड़ी बात होती, पूरा जीवन वो करेगा। एक छोटा बच्चा संकल्प ले ले कि माता पिता के पैर छूकर ही मैं स्कूल जाऊंगा, मेरी थाली में जूठा अनाज नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से हर पुलिस कर्मचारी ने, अधिकारी ने भी एक संकल्प लेना है और वो समाज जीवन के संकल्पों के साथ मिलकर देश को एक बहुत बड़ी गति देगा। मुझे लगता है दोनों काम दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक टीम बनाकर नीचे तक लेने चाहिए और इसको आगे ले जाना चाहिए। मित्रों, इन्वेस्टिगेशन और छवि का सुधार, ये सारे विषयों पर मैं आज कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं आज मन से आप लोगों को कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर बाहर गए, कोरोना के मरीजों के लिए आप लोगों ने जो सेवाएं की हैं और लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो पूरा स्किलफुल तरीके से, मानवीय तरीके से भी और स्किलफुल तरीके से इसको कंप्लीट इम्प्लीमेंट किया है, इसके लिए बधाई देने के लिए आया हूं। मैं फिर से एक बार आप सभी को बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृहमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे जिस ओर आपने इंगित किया।